कलम आपको दिख रहा है, दिख रहा है? अब बताओ इसमें, अब हमने इसको खोल दिया, अब क्या दिख रहा है, है ना? अब इसका ये हिस्सा भी दिख रहा है जहां से लिखा जाता है। अब हमने इसको ढक्कन से ढक दिया, ये देखो अब नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना? अब आप बताओ, हमने आपको खोल के दिखाया तभी तो आपने देखा, हमने खोल के दिखाया ही नहीं होता तो आप कैसे देखते, है ना? अब हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहां तक सही है? हाँ, आजकल बहुत सारी आज युवा पीढ़ी जो है, आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो, आप अपनी सोच बदलो। अच्छा ठीक है, हम अपनी सोच बदल लें तो आप ही जरा अपनी सोच बदलो, अभी हमने इसको खोला, अब आप मत देखो, मत देखो इसे, क्या पॉसिबल है? आप ही खोल खोल के दिखाएंगे तो देखने वाले का जा क्या रहा है? इसीलिए कहा करता हूं कि मर्यादा में रहना सब प्रकार से सही है, अमर्यादित ये हिंदुस्तान है। अब लड़कियां ये कहें कि महाराज जी आप अपनी सोच बदलो, हाँ हमने सोच बदली, हम नहीं देखेंगे, पर हम नहीं देखेंगे ना, जमाने को तो आप नहीं सिखा सकते ना, समझा सकते। इसीलिए आप अपना पानी बरस रहा है, तुम बारिश को तो नहीं रोक सकते, पर छतरी लगाकर अपना बचाव कर सकते हो। आज समझदारी यही है कि शरीर में कपड़े ऐसे पहने जाएं जो मर्यादित हो, हाँ जिस कपड़े को पिता भी अच्छे से देख सके, भाई भी अच्छे से देख सके, रिश्तेदार भी देख सके, ऐसा ना हो कि हम अश्लील होके खड़े हो जाएं और जो देखे वो भी लज्जित होकर सिर झुका के खड़ा हो जाए, ऐसी मर्यादाएं ठीक, ये भारत है। और फिर मर्जी देखो आपकी है, कपड़े आप खरीदते हैं, हमसे तो पैसा आप लेते नहीं है, मर्जी आपकी है, पैन हमारा है, हम चाहे ढक के रखें चाहे खोल के, हमें क्या फर्क।